मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि देवदार के पेड़ों के बीच में मस्त, जो बहुत एक मीठी सी ठंडी है यहाँ पे, मतलब है काफ़ी, रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो अभी ये थोड़ा सा ही होगा आई थिंक। मुक्तेश्वर महादेव ऊपर जाके फिर नीचे से आएंगे चौली की जाली से, फिर शाम को और जाएंगे। माल्टे का जूस, ये पहाड़ी फल होता है, जैसे संतरा वगैरह देखते हैं ना, तो ये पहाड़ों में होता है, इसको माल्टा कहते हैं यहाँ पे। तो इसका जूस निकला फ्रेश, और इसमें मिक्स है बुरांस। तो ये है हमारा राजमा चावल लंच। अब यहाँ से जो चौल की जाली यहाँ पीछे बैक साइड में है, तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पर शाम को जाएँ, क्योंकि शाम को अभी सनसेट के टाइम पर काफ़ी अच्छा होता है व्यू। देंगे अपने राजमा चावल का, मात्र 50 रुपये की हाफ प्लेट। तो जो ये मंदिर का रास्ता था ऊपर से, उसके नीचे वाला जो रास्ता है चौली की जाली नीचे जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो रास्ता है ये, और ऊपर से ऊपर की साइड से जो आता है महादेव मंदिर से मुक्तेश्वर महादेव, तो ये दोनों मिलते हैं। तो कोई लोग यहाँ से जाके ऊपर से आ जाते हैं, कुछ लोग नीचे से जाके ऊपर से आ जाते हैं, लेकिन हम लोग नीचे से ही जाएंगे। चौली की जाली का रास्ता ये भी यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन मेंटेन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा है, जो लोकल वेंडर्स हैं जैसे आपके संतरे नींबू वगैरह बेचते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं, थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं उनसे। तो ये यहाँ का भी जो व्यू है अभी प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, वो जगह जैसे चौली की जाली बोला जाता है। तो भाई ये है यहाँ से व्यू, ये एक्चुअली जो जगह है चौली की जाली में, यहाँ मेरा ये फ्रेंड, ये जो दिख रहा है ना बीच में, यहाँ पे कल एक फ्रेंड की शादी में आया था। अगर पवन तो देख रहा है, तेरा घर यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो देख टेंट लगा हुआ वहाँ पे बस। अभी यहाँ से हम लोग को इसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ न्यूड नेकेड आई से दिखाई देगा, लेकिन कैमरे से नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जिप लाइनिंग वगैरह सब कुछ होता है, देखो प्रॉपर तरीके से। डाक बंगला टाइप का है कोई, मेंटेन करता तो अच्छा लगता है। हाँ। बीच में गार्डनिंग वगैरह, इतने ऊपर माल्टा के पेड़ होते हैं ना, ये नीचे इतने चाहिए नहीं ना। तो ये है जो चौली की जाली, जो जाली एक्चुअली आगे आने वाली है, और ये जो पीछे देख सकते हैं पूरा ऊपर, यहाँ से लोग जिप लाइनिंग कर रहे हैं। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये पहाड़ है ना, इसके ये पहाड़ के बिल्कुल यहाँ से जिप लाइनिंग हो रही है यहाँ तक, यहाँ इनके एक बंदे बैठे हुए ऑलरेडी, बहुत ऊंची चट्टान टाइप की, देखो ये पूरा इसको कहते हैं। ये जो पत्थर है
इसके बीच में जो होल है, इसी के नाम से यहाँ का नाम पड़ा है, चौल की जाली। तो इसमें क्या है कि मान्यता कहते हैं यहाँ पे कि जो भी स्त्री, मतलब उनको कुछ बच्चे वगैरह प्रॉब्लम है तो फर्टिलाइज हो जाती है, ऐसे यहाँ की मान्यता है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बीच, पत्थर के बीच में एक गोल वो बना हुआ है। तो यहाँ के जो लोकल गाइड्स वगैरह हैं वो लोग हेल्प करते हैं इसको क्रॉस करने में, इसके बीच से निकलने में। तो आराम से हो सकता है, ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि एकदम से स्टीप है यहाँ बीच में, और अगर आप अकेले अगर आ रहे हैं तो बहुत रिस्की है। हाँ, हेल्प हो जाएगी, यहाँ पे गाइड वगैरह रहते हैं। तो ये मंदिर यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ टाइप की बंधी हुई है, तो ये है। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब हो चुका है सनसेट और हम लोग अभी जा रहे हैं गेस्ट हाउस, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और लोग सब वापस, ठंड भी ज़्यादा होने लगी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस, थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो होता है पहाड़ों में, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट छोटी है तो ठंडा बढ़ जाता है और लोग अपने अपने खोपचों में चले जाते हैं, यानी अपने घरों में घुस जाते हैं, तो मार्केट भी थोड़ी देर में शायद बंद हो जाएगी। तो बस दिन भर में जो मजे करने कर लो, मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 5:30 तक। हाँ, सनसेट इज़ रियली गुड। तो ये अच्छा गा, उनके गाने यही बजे। मुक्तेश्वर से ये जो सामने है, ये पूरा व्यू पॉइंट है, पूरे पब्लिक के लिए खुला रहता है। अब पीछे आप देख सकते हैं ये कॉटेजेस केएमवीएन मुक्तेश्वर के, ये जो सामने का जो व्यू है ना, भी सुबह के टाइम पे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ व्यू।
ईस्ट पूर्व जिसे कहते हैं, पूरा ये दिखाई दे रहा है। इधर से ये है पंचाचोली की रेंज मेरे राइट साइड में इधर को, और ये सामने पूरा त्रिशूल का है नंदा घुमटी। कुछ पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें शायद, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन है ये पूरा ये सामने दिखाई दे रहा है इस चीज़ का। तो काफ़ी अच्छा व्यू है सुबह का, और जो देख सकते हैं पूरे बादलों की, ऐसे लग रहे हैं बादलों की नदी सी बह रही है। ये अल्मोड़ा है जो सामने दिखाई दे रहा है, और पूरे बादलों की नदी जैसी दिखाई दे रही है सामने। तो मुक्तेश्वर का जो केवीएन है बहुत अच्छी लोकेशन पे है, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरे ये जो ग्रीन कलर के हट्स वाले हैं, ये है आपके एग्जीक्यूटिव रूम्स। ये थोड़ा महंगे हैं, उसके बाद कैटेगरी आती है रॉयल, और उसके बाद फिर डबल बेड जो भी हैं। तो जो ये पीछे देख सकते हैं ये पूरे आपके जो कॉटेजेज हैं ये एग्जीक्यूटिव वाले हैं। इसके जो पीछे जो ऊपर की साइड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपके डबल बेड रॉयल कुछ वैसे वाले रूम्स हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे हैं। और कल रात को भी हम लोगों ने जो खाना वाना यहाँ पे, एक्चुअली क्या है कि जो आपका जो भी आपका टैरिफ है उसमें दो लोग का आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है विद बेड टी। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है क्योंकि लोकेशन ऐसी है, तो यहाँ पे आपका बाहर जाके ऐसे नहीं कि हंटिंग कर सकते हैं कुछ डिनर, तो वो सारे अरेंजमेंट नहीं है, सारा आपका जो भी टैरिफ होता है उसके साथ में। तो मेरे हिसाब से तो मतलब काफ़ी खाना काफ़ी अच्छा था, घर के जैसा खाना था रात में, और वेज फूड, और घर के जैसा लगा था पूरा। कुछ ऐसे नहीं कि बहुत स्पेशल या कुछ स्पेशल टेस्ट था, बहुत अच्छा खाना था, टेस्ट सिंपल एंड ऑसम जैसा आपको चाहिए होता है एक्चुअली। तो मेरी तरफ से रिव्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये है आपका, और जो व्यू पॉइंट है यहाँ का ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है जो सामने व्यू पॉइंट है ये एग्जीक्यूटिव रूम्स के, जो सामने दिखाई देता है व्यू वो सबसे शानदार है। तो अब हम लोग का यहाँ पे चेकआउट है, और सुबह के बज चुके हैं 10, और अब हम लोग सीधा देहरादून के लिए रवाना होने वाले हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस हम लोग का, और केवीएन जो मुक्तेश्वर का आप ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी व्यू जो था उस मॉर्निंग का, सनराइज़ का जो व्यू था, और शाम के टाइम जो सनसेट का व्यू था उधर चौली की जाली से, वो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस हम लोग का। तो अब हम लोग चलते हैं इस ब्यूटीफुल जो हमारे सामने सीनरी है उसको अलविदा कहते हुए। तो चलो अब चलते हैं देहरादून के।